हेलो ट्रेडर्स, मैं विद्यासागर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहां पर मोमेंटम कर सकता है एंड हमें कहां पर बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है। जैसा कि गैस, आज हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को 15,700 का सीई बाय करने के लिए दिया था, जो कि 120 के लेवल पर, एंड आप देखें तो यहाँ पर हमें 187 तक के ईजिली टारगेट देखने को मिले। तो अगर गैस आप भी सीरियसली ही अपने लॉसेज को रिकवर करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको अभी डिस्प्ले पर एक मोबाइल नंबर शो किया जा रहा है, आप उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जैसा कि गाइस, ये हमारा प्रोफेशनल चैनल है पावर ऑफ सेटअप्स, तो आप जाके इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की कॉल्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आज के दिन हमने आपको यहाँ पे 15,700 का सीई बाय करने के लिए दिया था, जो कि 120 के लेवल पर, एंड आपने अभी यहाँ पे देखा कि 187 तक के ईजिली टारगेट देखने को मिले। तो अगर गाइस आप हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होते तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो गए होते। तो अभी आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम देख लेते हैं मार्केट में हमें किस तरह के मोमेंटम्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि गाइस, अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करें तो यहां पे अभी हमें डाउ जोन्स में नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, जो कि अभी 35 पॉइंट्स की नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। एंड वहीं पर अगर हम नैस्डेक की बात करें तो नैस्डेक में हमें 40 पॉइंट्स की नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। एंड अगर हम ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो गाइस अभी हमें यहां पे नेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो चलिए अभी एग्जैक्टली देखते हैं हमारी इंडियन मार्केट में हमें किस तरह के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। जैसे गैस अभी हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है, तो अगर आप ध्यान दें तो गैस यहाँ पे मार्केट 3 दिन से कंटिन्यूसली यहाँ पे एक रेंज बना रही है। गैस मार्केट में यहाँ पे गैप ओपन हुआ एंड ज़्यादा बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी रेंज बना रहा है। तो कल के दिन भी देखें आप, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज को बनाया है, एंड आज के दिन भी आप देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट रेंज में रहा है। तो कल के दिन गैस यहाँ आरएलए काफ़ी अच्छा ट्रेंड का डे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें एक क्लियर डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। एंड अगर आप देखें तो मार्केट अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको यहाँ पे एक एक्सपायरी देखने को भी मिल सकती है। अभी हम एग्जैक्टली देखते हैं हमें कहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग करनी चाहिए। अगर मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पे 33,300 के आसपास फ्लैट ओपन होता है, एंड जैसे ही मार्केट यहाँ पे 33,200 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर आपको यहाँ पे एक सेलिंग की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। एंड आपको जो पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 33,100, एंड फिर आपको 33,000 तक के भी इजिली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर गाइस ये टारगेट भी अचीव होते हैं एंड आप देखें तो यहाँ पे आपको 33,000 का एक राउंड लेवल है, तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा पुल बैक भी देखने को मिल सकता है, तो आपको अपने प्रॉफिट्स को टाइमली बुक कर लेना है। अगर मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पे 33,000 के लेवल को क्रॉस करता है डाउन साइड की तरफ, तो फिर आपको यहाँ पे 32,900 एंड फिर 32,800 तक के भी इजिली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे 33,000 के लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको इमिडिएटली सेलिंग की पोजिशन को नहीं बनाना, क्योंकि मार्केट आप देखें तो कंटिन्यूसली 3 दिन से सेलिंग में ही आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा पुल बैक भी देखने को मिल सकता है 33,000 के राउंड लेवल पर। तो अगर आप मान लीजिए गाइस यहाँ पे आपको पुल बैक देखने को मिलता है 33,100 तक, एंड फिर मार्केट जब यहाँ पे 33,000 के लेवल को क्रॉस करेगा डाउन साइड की तरफ, तो फिर आपको यहाँ पे एक सेलिंग की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, एंड आपको जो 32,800 एंड फिर 32,700 तक के भी आपको टारगेट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पे 33,400 के आसपास गैप ओपन होता है तो आपको क्या करना है गैस, जब तक कि मार्केट यहाँ पे 33,500 का लेवल क्रॉस नहीं करता है अपसाइड की तरफ, तब तक आपको यहाँ पे एक बाइंग की मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि गैस यहाँ पे एक राउंड लेवल है, तो यहाँ पे भी मार्केट अभी एक रेजिस्टेंस लेते हुए दिख सकता है। एंड जैसे ही वो ये लेवल क्रॉस होगा अपसाइड की तरफ, तो फिर आपको यहाँ पे 33,700 एंड फिर 33,800 तक के भी ईजिली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी हम गैस यहाँ पे एक्सपायरी जैकपॉट की बात कर लेते हैं कि अभी हमें यहाँ पे एक्सपायरी जैकपॉट कहाँ पे देखने को मिल सकती है। मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, एंड जैसे मार्केट ने आज एक रेंज बनाई है, अगर मार्केट यहाँ पे भी कल के दिन सेम रेंज को फॉलो करता है 12 बजे तक, तो जैसे ही गाइस आप देखेंगे तो 12 बजे के बाद मार्केट जिस भी साइड रेंज को ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेक डाउन करता है, तो आपको उस तरफ की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पे 33,400 के लेवल को 12 बजे के बाद क्रॉस करता है, तो आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे 40 रुपये का प्रीमियम बाय करना है
जो 40 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है आपको उसको बाय करना है। यहाँ पे आपको 20 पॉइंट्स का सिर्फ SL लगाना है एंड आपका जो टारगेट होना चाहिए वो गैस एंड आपको यहाँ पे 1:2 तक के टारगेट इजिली देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए गैस मार्केट यहाँ पे 12 बजे के बाद यहाँ पे डाउन साइड की तरफ आता है तो फिर आपको यहाँ पे पुट बाय करना है जिसका प्रीमियम आपको 40 रुपये का मिल रहा हो, उस प्रीमियम को बाय करना है, सेम आपको SL लगाना है, सेम आपको टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। तो गैस यहाँ पे आपको 1:2 एंड 1:3 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम देख लेते हैं निफ्टी में हमें किस तरह के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर यूजर्स हैं तो गाइस आपको मैंने बताया था कि कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। तो आप देखें तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट में 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट हुआ तो आपको एक अच्छी खासी निफ्टी में रैली देखने को मिली। तो आई होप गाइस आपके अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी बने होंगे। तो चलिए अभी हम एग्जैक्टली देखते हैं कल हमें कहाँ पर बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हैं तो मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे मार्केट ने लास्ट के कुछ सेशंस में यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, तो देखना वो ये है कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। तो मान लीजिए गैस अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है 15,840 के आसपास तो आपको क्या करना है। गैस जैसे ही मार्केट यहाँ पे 15,880 के लेवल को क्रॉस करता है अपसाइड की तरफ तो फिर आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जो कि आपको जो पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 15,950 एंड फिर 16,000 तक के आपको इसलिए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए गैस मार्केट यहाँ पे 15,720 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है। गैस जैसे ही मार्केट यहाँ पे 15,680 के लेवल को क्रॉस करता है डाउन साइड की तरफ तो फिर आपको यहाँ पे एक डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जो कि आपको पहला जो टारगेट होना चाहिए वो 15,600 एंड फिर 15,520 के भी आपको इजिली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए गैस मार्केट यहाँ पे 15,880 के आसपास गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना है। गैस आपको यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग नहीं करनी, आपको फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है, फिर आपको उसके बाद ही आपको यहाँ पे बाइंग की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर आप देखें तो गैस यहाँ पे आपको जो पहला जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो 16,000 तक के आपको ईजिली यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर गैस यहाँ पे 16,000 के लेवल भी ब्रेकआउट होते हैं, मान लीजिए गैस मार्केट अगर यहाँ पे 16,050 के लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी अप मूवमेंट भी कल की एक्सपायरी में देखने को मिल सकती है एंड आपको यहाँ पे 16,150 तक के ईजिली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो गैस अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें एक्सपायरी जैकपॉट कॉल कहाँ पे मिल सकती है। अगर मान लीजिए गैस मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है एंड यहाँ पे मार्केट 15,880 एंड फिर 15,700 के लेवल पे ही यहाँ पे ट्रैवल करता है तो फिर गैस आपको यहाँ पे एक कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी जब तक कि मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट नहीं देता है। जैसे ही मार्केट 15,880 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आपको गैस यहाँ पे 20 रुपये का प्रीमियम बाय करना है, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे 10 पॉइंट का SL लगाना है एंड आपको यहाँ पे 1:2 एंड 1:3 तक के इजिली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर गैस मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आफ्टरनून के बाद यहाँ पे डाउन साइड की तरफ क्रॉस होता है तो फिर आपको यहाँ पे पुट बाय कर लेना है एंड गैस आपको वो पुट बाय करना है जिसका प्रीमियम 20 रुपये का हो एंड आपको वहाँ पे 10 पॉइंट का सिर्फ SL लगाना है एंड आपको 1:3 तक के इजिली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आई होप गैस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गैस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।